मुंबई पुलिस को सलाम, न्यूज़ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। मुंबई पुलिस को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मुंबई पुलिस को सलाम, न्यूज़ में आपका स्वागत है। कौन कहता है कि मुंबई में महंगाई है और गरीब को खाना नहीं मिलता। आज हम आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पर ARS सिख पराडा खुला है एक टाइम से, मगर आज हमारी खुदकिस्मती है कि हम यहाँ पर आए हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर 10 रुपये की सीख और 10 रुपये का पराठा मिलता है और कोई गरीब यहाँ से बिगर खाए हुए नहीं जाता है। आइए हम बात करते हैं ये भाई से। भाई आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान भाई जी, इमरान भाई, ये 10 रुपये का सीख पराठा जो आप लोग ने खोले, ये गरीब लोगों का काफ़ी आपको दुआ लग रही है, इस बारे में आपका क्या बोलना है? नहीं, अल्लाह का एहसान है, पेड़ भरना तो अल्लाह का है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे थे कि 10 रुपये में चालू करने का कंसेप्ट ये था कि काफ़ी जगह 20-20 रुपये का सीख पराठा था और एक सीख पराठा जो आम आदमी का खाना था वो आम आदमी के कंसेप्ट से, रीच से बहुत आगे निकल गया। अब 20 रुपये का हर आदमी, एक टाइम का एक गरीब मजदूर दिन में 40-50 रुपये का खाना खाने वाला, वो पेट भर के नहीं खा पाता था सीख पराठा। तो इसके लिए हम लोग ने इसको 10-10 रुपये में कर दिया और प्रॉफिट हम लोग ने कम कर दिया। कम प्रॉफिट के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर हम लोग धंधा कर रहे हैं, ज़्यादा माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम प्रॉफिट में ज़्यादा धंधा हो और गरीब आदमी, हर फैमिली, हर घर तक सीख पराठा पहुँचे। मतलब ये हुआ कि एक कहावत है जो हमारे शाहरुख खान साहब ने कहे है कि मियाँ भाई की डेयरिंग और बनिए का दिमाग, आपने ये इस्तेमाल करे, ये बात सच है? हमने यही दिमाग लगाया कि हम लोग को वॉल्यूम चाहिए था, भले माल रेट कम हो, पैसे प्रॉफिट कम हो, लेकिन वॉल्यूम हो। आज अल्लाह के करम से पूरे बम्बई में ARS सीख पराठे का नाम हो गया कि 10 रुपये में ये लोग कैसे खिला सकते। कोई कोई लोग, हर तरीके के लोग बोलते थे इसमें कुछ मिलावट होती है, परवड़ता ही नहीं होगा इन लोगों को, ये लोग कोई मिक्स करके या तो गंदा माल खिलाते हैं, लेकिन अल्लाह के एहसान से अपन 1 रुपये का माल, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है ना, 1 रुपये का माल हम लोग कहीं गंदा गोश्त देते, देवनार से जो दोपहर में ताज़ा माल कटता है वही हम लोग के पास यहाँ आके टंगता है, वही यहाँ बेचते हैं हम लोग, और जो मेरे घर में खाएंगे, जो मेरे बच्चे खाएंगे, वही मैं सबको खिलाऊंगा, उसमें 1 रुपये का भी माल मेरा मिलावट नहीं है, कोई भी नहीं। आपका देखा देखी काफ़ी लोगों ने मुंबई में 10 रुपये का सीख पराठा खोले है और वो सिर्फ हवा मार रहे हैं, उधर बैठ के मक्खियों को भगा रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? आदमी इस क्या सोचा कि यहाँ पर इतनी भीड़ लग गई है, ये लोग को लगता है बहुत कमा रहे हैं, बहुत बच रहा है, लेकिन 10 रुपये में हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की खुद की दुकान थी दोनों, तो हम लोगों ने एक चांस लिया कि चलो 10 रुपये में करते हैं, वॉल्यूम करके देखते हैं, और अल्लाह ने हम लोग को नवाजा, उस चीज़ के जो कंसेप्ट था वो हम लोग का हिट हुआ। देखा देखिए काफ़ी लोग खोलने लगे 10-10 रुपये में, 10-10 रुपये में। अब 10-10 रुपये में हर किसी के बस की बात नहीं है कि भाड़ा भरेगा, लेबर निकालेगा, खर्चा निकालेगा, हर किसी को नहीं परवड़ सकता है। मैंने तो ऐसा सुना हूँ कि हमारी टीम ने जो तहकीकात करी है उससे ये मालूम पड़ा है कि काफ़ी लोग मिलावट भी कर रहे हैं इसके अंदर, जो कि नहीं करना चाहिए। अब मैं तो अपनी गारंटी तो लेता हूँ कि मेरा ये काम नहीं, आपका तो खैर ऐसा है कि बरकत हो गई है, बाकी दूसरों की गारंटी मैं नहीं ले सकता। हर आदमी अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी करता है, वो कोई बताता नहीं है, लेकिन अल्लाह के करम से मैं अपने माल की पूरी गारंटी लेता हूँ कि इसके अंदर 1 रुपये की भी मिक्सिंग नहीं है, प्योर जो गोश्त आ रहा है इसमें मसाले के अलावा और 1 रुपये भी कभी माल मिक्स नहीं। आइए हम ये भाई से बात करते हैं जो अभी अभी सीख पराठा खा के निकले हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अहमद है। अभी आपने सीख पराठा खाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और सारे लोगों के लिए अच्छा पसंद आता है। आप कब से खा रहे हैं इधर आके? ये करीब में ही हम लोग पास में ही रहते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कोई मुमरा से आता है, कोई ये नाला सुपारा से आता है, काफ़ी दूर से लोग आते हैं, अंधेरी से, जोगेश्वरी से, बाइकल्ला से। और कैसा लगता है आपको यहाँ का ARS का खा के? सबको अच्छा लगता है, तमाम लोगों को। हम बात करेंगे हमारे यहाँ के एक अजीज़ दोस्त से जो यहाँ पर ही रहते हैं। आपका क्या बोलना है ARS सीख पराठे वाले के बारे में? काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और हम तो हफ्ते में 2 से 3 बार खाते ही हैं, जब भी दिल होता है फ़ोन करके बोल देते हैं या खुद आके यहाँ बैठ के खाते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। मतलब शुक्ला जी स्ट्रीट की आन बान शान आज की तारीख में ARS सीख पराठा, जो कि काफ़ी वर्ल्ड में मशहूर हो रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? काफ़ी मशहूर हो रहा है, सस्ता है और अच्छा है, अच्छी क्वालिटी से ही सब चीज़ चलती है। आप देख सकते हो कितनी पब्लिक है, क्यों है? क्वालिटी की वजह से खड़ी है ना पब्लिक, और भी आमने सामने हैं, बाजू में हैं, वहाँ पे आपको इतनी पब्लिक नज़र आ रही है। क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना हूँ कि बाकी जो लोग ने खोले वो मिलावट कर रहे हैं, ये बात सच है? मेरे हिसाब से तो हो सकता है सोयाबीन मिक्सिंग हो सकती है, ऐसा मैंने भी लोगों के मुँह से सुना है, दूसरे लोगों का, मगर यहाँ का तो हम टेस्ट खुद ब खुद खाते, वो कुरकुरापन अलग ही नज़र आता है और ओरिजिनल के अंदर कभी भी कुरकुरापन ही आपको नज़र आएगा।
दोस्ती, ये मिलावट के अंदर कुरकुरापन नजर नहीं आता है, ये बात आपकी जो है वो सच है। हाँ, ये जहाँ तक के हम खाते हैं शौकीन है, इसकी वजह से हम हर जगह का, यहाँ का बोलो और अपना नल बाज़ार, डोंगरी, वो सीख पराठा, वो सब जगह जा जाके खाते हैं। तीन से चार जगह हमारी फिक्स है सीख पराठा। अच्छा, तो ये भाई घूम घूम के खाते रहते हैं और इनको सब में ज़्यादा पसंद आता है ARS सीख पराठा, जो कि शुक्ला जी स्ट्रीट में है और ये काफ़ी नामचीन है और बरकती धंधा हो गया है इनका, क्योंकि इनका दिल साफ रहता है और ये किसी मिलावट में ज़रा भी बिलीव नहीं करते हैं और लोगों का अच्छे से अच्छा ध्यान रखते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई पुलिस को सलाम।